नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा अन्य राज्यों को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है, तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि एनडीए गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन, लेकिन जिस कार्य का माहौल लोकसभा चुनाव के लिए बना है उस हिसाब से 2024 में मोदी या महागठबंधन, आखिर किसकी वापसी होगी ये उत्तर प्रदेश ही तय करेगा। इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। महिला आरक्षण के बाद कहीं न कहीं ओबीसी कार्ड का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ओबीसी वोट बैंक किसके पक्ष में जाएंगे, इस पर 80 सीटों का महत्वपूर्ण गणित सामने आ चुका है। यूं तो अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, इस पर कुछ न कुछ नई लड़ाई देखने को मिल रही है। और कहीं न कहीं जिस कारण से यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाया, समाजवादी पार्टी ने ओबीसी सम्मेलन भी रखा, तो यूपी की लड़ाई अब किस पर आई और कौन यहाँ पर भारी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और केंद्र को रास्ता यहीं से जाता है। फिलहाल ओबीसी की बात करें तो यहाँ 42 से 43% आते हैं। मुस्लिम वोट बैंक भी निर्णायक होता है, करीब 19%, जबकि दलित यहाँ 21% और सवर्ण 17 से 19% आ जाते हैं। तो किसके पक्ष में कौन जा सकता है, ये उत्तर प्रदेश को लेकर नए आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि नई लड़ाई है और जिस कास के तैयारी भी है और नई रणनीति के तहत अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे केंद्र के हो या सांसद हो या प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी कमान संभाल रखी है। लेकिन सवाल है कि अमेठी से एक बार फिर से राहुल विशेष स्मृति ईरानी, क्योंकि जिस कारण से लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष यहां पर दावा कर रहा है उस दावे में कितना दम है, क्योंकि 2024 में यहां पर 80 सीटें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष ने यहां पर बड़े बड़े ऐलान किए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प 80 सीटें यानी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया है। तो किसके जीत के दावे में कितना दम है और किसका किसके साथ गठबंधन होगा, फिलहाल अगर बात जाए बहन मायावती जी का यहाँ पर मत स्पष्ट नहीं है, या अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी महागठबंधन के साथ रहेंगे या फिर एनडीए के साथ देखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस कार का माहौल 2019 में देखने को मिला था यहाँ अनायस बना था, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं मिला था। देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके पीछे के कारण आपको बता दें कि 2019 में यह जो है 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और यहां पर बात की जाए तो 303 सीटें बीजेपी को मिली थी, उसके पीछे 64 सीटें महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की मानी जाती हैं। और उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादा सीटें यहां से आती हैं और एक तरफा जीत यहां पर मिलती रही है। 2014 में भी यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी 73 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी ने 283 सीटें हासिल की थी, यानी जीत के पीछे का बड़ा कारण उत्तर प्रदेश रहा था और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी जी को 2014 और 2019 में मिली है। तो क्या 2024 में भी एक बड़ी जीत मिलेगी, अगर मिलती है तो फिर केंद्र को रास्ता जा सकता है, लेकिन इस बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन बड़े बड़े दावे कर रहा है, 80 सीटों पर किसका दावा है, इस पर राहुल गांधी ने भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी डीएमके जेडीयू जैसे बड़े यहाँ पर दल जो है कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जबकि एनडीए गठबंधन में भी 38 से ज्यादा दल हैं। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें किसके पक्ष में जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही 2024 को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। और किस कार के आंकड़े किसके पक्ष में रहे थे, 2019 के दौरान यादव वोट बैंक बीजेपी को 23% मिला था जबकि महागठबंधन को 60% मिला था। उर्मी यहाँ पर बीजेपी को 80% वोट बैंक मिला था, 14% महागठबंधन के साथ रहा था। अन्य ओबीसी बीजेपी के साथ 72% जबकि महागठबंधन को 18%। जाटा वोट बैंक बीजेपी को 7% और 75% यहाँ महागठबंधन के साथ रहा था। अन्य दलित 48% बीजेपी के साथ जबकि 42% महागठबंधन के साथ रहे थे, जो आंकड़े लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बार किसके पक्ष में कौन जा सकता है, इस पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। यूपी में ओबीसी वोट बैंक की बात की जाए तो करीब 40 से 42% है, जिसमें यादव वोट बैंक करीब 10%, कुर्मी 5%, मौरव 5%, जाटव 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवट और मल्हार यहाँ 4% और अन्य 6% आ जाते हैं। और ये किसके पक्ष में जा सकते हैं, इसके भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए ओबीसी वर्ग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी के 149 विधायक हैं, जबकि लोकसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 50 सीटों पर सीधा असर है इन 80 सीटों के लिए। और इसमें अगर बात की जाए वर्तमान में ओबीसी से
21 मंत्री हैं और ओबीसी वोटर करीब 42 से 43% आता है। तो ऐसे में किसके पक्ष में कौन जा सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 19% मुस्लिम वोट बैंक भी आता है, जो कि करीब या 25-30 सीटों पर सीधा असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में बात की जाए जिन जिलों पर सीधा असर मुस्लिम वोट बैंक का देखने को मिलता है, जिनमें बिजनौर 43%, मुरादाबाद 48%, नगीना 45%, संभल में 43% और सहारनपुर में भी 43%, अमरोहा में 38% और गाजीपुर में 10% आ जाते हैं। तो इस बार मुस्लिम वोट को साधने के लिए भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में नई नई योजनाएं लाई हैं। इसके दम पर कितना फायदा मिल सकता है, तो जिस कारण से 2019 में मुस्लिम वोट बैंक की पसंद कौन रहा था, जिसमें बीजेपी 9%, समाजवादी पार्टी 68%, बीएसपी को 17%, अन्य के पक्ष में 6% मुस्लिम वोट बैंक दिखा था। जो मटराइज के अनुसार यह आंकड़े सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर आज अगर यहां पर 80 सीटों पर चुनाव होते हैं तो बुंदेलखंड रीजन की 4 सीटों पर बीजेपी को 58% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 5% और अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 2019 में सभी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को सभी चारों सीट पर जीत मिल सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी बीएसपी यहां पर एक सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है। जबकि बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है पश्चिमी यूपी, और पश्चिमी यूपी का जातीय गणित अगर दिखाएं तो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक करीब 27% आते हैं और दलित यहाँ 25%, जाट वोट बैंक 17%, राजपूत यहाँ 8% आते हैं और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो ओबीसी करीब 16% आ जाते हैं। और किसके पक्ष में कौन जा सकता है, देखिए तो यहाँ पर पश्चिमी यूपी की 27 सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बड़े जिले यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें सहारनपुर के रैना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जैसे बड़े जिले आते हैं और यहाँ का माहौल किसके पक्ष में जा रहा है। और यहाँ पर बात की जाए तो 27 लोकसभा सीटें आ जाती हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ बीजेपी को 18-23 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी को 2-5 सीट, बीएसपी को 0-1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े इस रीजन में भी देखने को मिल रहा है। और बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण अवध रीजन माना जाता है क्योंकि 23 लोकसभा सीटें यहाँ से आती है और यहाँ को लेकर जो ओपिनियन पोल मटराइज का है उस हिसाब से 63% बीजेपी के साथ वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 18%, बीएसपी को 10%, कांग्रेस को 7%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए किसके पक्ष में आंकड़ा जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी को 18-23 सीट मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 0-1 सीट, बीएसपी को 0-1 सीट, कांग्रेस को 1-2 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि उत्तर प्रदेश को लेकर जो पूर्वांचल रीजन है यहाँ पर भी 26 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और मटराइज का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बीजेपी को 64% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 15, बीएसपी को 16, कांग्रेस को 3%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 18-23 सीट मिल सकती है, समाजवादी पार्टी यहाँ 1-3 सीट, बीएसपी को 0-1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। यानी सीधे तौर पर पूर्वांचल रीजन पर भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ओपिनियन पोल मटराइज का सामने आ रहा है 80 लोकसभा सीटों के लिए, उस पर बीजेपी को 63% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी को 11% और कांग्रेस को 4, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। वही सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी को 67-73 सीटें मिल सकती है और समाजवादी पार्टी को 3-6 सीट, बीएसपी को 0-4 सीट, कांग्रेस को 1-2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव के लिए या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का जो सर्वे है उस हिसाब से यह भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर यहाँ 2019 के मुकाबले भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिल सकती है क्योंकि 2019 में 64 सीटें मिली थी। और जो इंडिया टीवी सेनेक सर्वे भी सामने आया उत्तर प्रदेश को लेकर, इसमें बीजेपी को 70 लोकसभा सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अपना दल को 2 सीट और 2 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई है। इस हिसाब से अगर बात की जाए अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो 72 सीटें या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिल सकती हैं। जबकि उत्तर प्रदेश को लेकर टाइम्स नाउ सर्वे भी सामने आया है, इसमें एनडीए को 69-73 सीटें मिल सकती है जबकि इंडिया गठबंधन को 5-9 सीट, बीएससी को 0-1 सीट, आने के पक्ष में 1-3 सीट की संभावना हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर तीन बड़ी एजेंसियों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी करीब 70 सीटें से ज्यादा सीटें हासिल करती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है उसको करीब 5-7 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, 1-2 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है,
आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी राय रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सीटें आ जाती हैं। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। क्या 2024 में फिर मोदी सरकार 350 पार या फिर वनवास पर गई विपक्ष कांग्रेस की वापसी होगी, इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय भारत।